अब आ जाओ ऑफ सिंगल एफ और डबल एफ, सिंगल एफ और डबल एफ का डिफरेंस करते हैं। ये मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है, ऑफ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल एफ और डबल एफ, सिंगल एफ और डबल एफ में क्या डिफरेंस है, पहले ये देख लो ये ऑफ क्या क्या चीज बताता है। एक तो ये ऑफ को हम क्यों यूज करते हैं, पोजेशन बताने के लिए, मालिकाना अधिकार बताने के लिए, ओनरशिप बताने के लिए। लिखा मैंने द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर, तो यहाँ का ऑफ क्या बता रहा है, ऑफ बहुत सारा चीज बताता है। ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर, हुज ड्रामाज, शेक्सपियर्स ड्रामाज, जहाँ भी का के की का सेंस आए, का के की क्या बताता है, ओनरशिप बताता है, रिलेशनशिप बताता है। हु इज द ओनर ऑफ द ड्रामा, इस ड्रामा के ओनर कौन है, शेक्सपियर है, ठीक है। तो एक तो ऑफ ओनरशिप पोजेशन बताता है, और दूसरा ऑफ रीजन भी बताता है, कारण भी बताता है, कारण 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 भी बताता है, ओके। और तीसरा ऑफ क्या बताता है, तीसरा ऑफ जैसे मैंने बोला दिस पेन इज मेड अप, ये तो मैंने पढ़ाया भी है, दिस पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ये पेन प्लास्टिक से बना हुआ है। तो एक ऑफ और क्या चीज बताता है कि कोई भी चीज किसी क्या चीज से बना हुआ है, ठीक है। जैसे इट इज मेड ऑफ पेपर, इट इज मेड ऑफ ग्लास, शीशे से बना है, इट इज मेड ऑफ वुड, कोई भी चीज क्या चीज से बना। और तीसरा चौथा एक ऑफ और क्या बताता है, हम एक ऑफ को चॉइस के लिए भी यूज करते हैं, चॉइस, ठीक है, सिलेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। मैंने लिखा वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज इज और इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज में यहाँ पे ओनरशिप नहीं बता रहा है, कारण भी नहीं बता रहा है, कोई भी चीज क्या से बना है वो भी नहीं बता रहा है। यहाँ का ऑफ क्या बता रहा है, वन ऑफ द बॉयज बहुतों में से एक प्रेजेंट था। तो यहाँ ऑफ हम चॉइस के लिए यूज करें, चॉइस मतलब सेलेक्शन, ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, नीदर ऑफ द बॉयज, तो सब एक ऑफ चॉइस के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ पे यहाँ का ऑफ क्या बता रहा है, ओनरशिप, मालिकाना अधिकार, किसके ड्रामा, शेक्सपियर, ही डाइड ऑफ कैंसर, कभी भी ही डाइड फ्रॉम कैंसर मत लगाना, ठीक है, ही डाइड ऑफ कैंसर, बताऊंगी आगे, किसी बीमारी से डेथ हो रही है, अगर मरने का कारण इज अ डिजीज तो ऑफ लगाओ। तो यहाँ का ऑफ क्या बता रहा है, कॉज, द वॉटर ऑफ द गंगा, कहाँ का पानी, ओरिजिन बता रहा है, यहाँ भी संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, कहाँ का पानी, का के किस सेंस का आ रहा है, गंगा का पानी। और ही डाइड ऑफ कैंसर तो बता दिया। शी वोर अ नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड, वो एक नेकलेस पहनी थी जो गोल्ड से बना था। तो एक ऑफ ये भी बताता है ना, कोई भी चीज किसी चीज से बना हुआ है, ठीक है, इतने सारे चीज ऑफ बताते हैं। अब देखो कुछ फिक्स प्रेपोजिशन है, कुछ फिक्स प्रेपोजिशन है जिसको आपको याद रखना होगा, दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो डिजीज वाला याद रखना, एंड द नेक्स्ट थिंग इज एक्सीडेंट वाला। व्हाट डिड आई से कि कॉज बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, बट हमेशा नहीं, याद रखना है कि इफ अ पर्सन डाइज ड्यू टू सम डिजीज, ये सारे फिक्स प्रेपोजिशंस हैं, ओके, इसका नाम ही है फिक्स्ड, तो यहाँ पे तो कोई रूल लगेगा नहीं। ही डाइड ऑफ मलेरिया, ये देखो मलेरिया इज अ डिजीज, इफ अ पर्सन डाइज ड्यू टू सम डिजीज, और तो उसके लिए क्या लगाओगे, ऑफ, ऑफ, बीमारी से डेथ हो रही है तो ऑफ लगाना। अगर मैं ऐसा लिखती He was suffering. याद रखना यहाँ पे death नहीं हुई है, He was suffering from malaria. वो malaria से पीड़ित है, तो आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो बीमारी है, बट आपने from क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ death नहीं हुई है, suffering है, suffer के साथ तो from आता है, बट अगर off यहाँ पे कारण बता रहा है ना, यहाँ का off कारण बता रहा है, कारण बताने के लिए off लगाओगे, यहाँ पे ही डाइड ऑफ मलेरिया, तो यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं बता रहा, उसकी डेथ का कॉज कारण क्या था, एक डिजीज था मलेरिया, ये याद रखना है। और एक एक्सीडेंट वाला याद रखना है, ही डाइड डैश एन एक्सीडेंट, चलो बताओ ही डाइड डैश एन एक्सीडेंट, और आप बोलोगे ही डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, कोई ही डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, नहीं, एक्सीडेंट में हमेशा इन रखना, तो दो तो एकदम याद रखना है, जहां भी एक्सीडेंट दिख जाए इन, और जहां भी कोई डिजीज आ गया, डिजीज आ गया तो उसके साथ ऑफ लगाना। एंड नो डाउट दिस टू आर इम्पॉर्टेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक्सटर्नल एजेंट से, ठीक है, बाहरी चोट से, इंजरी से, ज़्यादा खा खा के भी लोग मरते हैं, किसी वुंड से मर रहा है, ठीक है, इंजरी से मर रहा है, ओवर ईटिंग से मर रहा है, बैटल फील्ड में तो इन लगेगा, इंजरी घाव से मर रहा है, घाव इज एन एक्सटर्न, बाहरी चीज़ों से, बाहरी अटैक से मर रहा है किसी चीज़ से, तो फ्रॉम लगाना, ठीक है। हंगर, हंगर से, भूख से, भूखमरी से, प्यास से मर रहा है, ऑफ लगाना, ये सारे फिक्स्ड है, ठीक है। ऐसा आप बोलोगे ना कि मैम सब में तो कॉज ही बता रहा है, कॉज बताने के लिए तो ऑफ आना चाहिए ना,
बट ठीक है, कॉज बता रहा है, बट कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस है जो आपको ध्यान रखना है. चलो, अगर व्यक्ति किसी वूंड से, घाव से, बुलेट इंजरी से मर रहा है, फ्रॉम लगाना, भूख मरी, स्टार्वेशन से मर रहा है, ऑफ. और देखो, कोई व्यक्ति अगर दुख से, शर्मिंदगी से मर रहा है, विथ लगाना. ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा मतलब याद करना होगा. ही डाइड बाय वॉयलेंस. तो ही डाइड बाय वॉयलेंस, अगर कोई वॉयलेंस, किसी हिंसा में मर रहे हो कोई, तो बाय लगा देना. बट अगर हिंसा का कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, वट इज गुजरात राइट्स. गुजरात राइट्स इज अ पर्टिकुलर, इट्स अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ वॉयलेंस. पर्टिकुलर है तो इन लगाना, इन इन. अगर अगर डिजीज से डेथ हो रही है तो क्या लगेगा, जल्दी जल्दी बताओ. डिजीज में क्या लगेगा, एक्सीडेंट में क्या लगेगा? डिजीज से डेथ हो रही है क्या लगेगा, एक्सीडेंट में हो रही है क्या लगेगा? शर्मिंदगी से भी मर जाते हैं लोग, दुख से भी मर जाते हैं, सौरों से भी मरते हैं, ठीक है. ग्रीफ का मतलब भी है दुख. और हंगर में देखना है कितना याद रखते हो. स्टारवेशन, हंगर किसी एक पर्सन का होता है, भूखमरी बड़े पैमाने पे, ये हो गया. बूंद से मर रहा है कोई, घाव से मर रहा है, ज़्यादा खा के भी लोग मर जाते हैं. ओवर ईटिंग से मर रहा है, ओवर ईटिंग से मर रहा है, किसी इंजरी से मर रहा है, उसमें क्या लगेगा, वॉयलेंस में क्या लगेगा, चलो बताना शुरू करो. गुड गुड गुड. यस, डिजीज में ऑफ, ठीक है, डिजीज में ऑफ, एक्सीडेंट में इन, शर्मिंदगी सौरों से फ्रॉम, भूखमरी से भी ऑफ, ठीक है, सॉरी, शर्मिंदगी में विथ, ओके, और वूंड वगैरह में घाव या भूखमरी से इसको याद करना है फ्रॉम, और वॉयलेंस में बाय, और किसी खास वॉयलेंस का जिक्र हो ना तो इन लगा दे. इन 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 इन. ही डाइड डैश हिज कंट्री. अगर कोई अपनी कंट्री के लिए मर रहा है, वो अपनी कंट्री के लिए, तो क्या होगा, ड्यू टू, तो सब में लगा दोगे. ड्यू टू तो सब में फिट हो जाएगा. ड्यू टू सबके लिए प्रेपोजिशनल फ्रेज. ही डाइड फॉर हिज कंट्री. वो अपनी कंट्री के लिए मर मिटा है. फॉर डाइड फॉर. चलो अब नेक्स्ट वाला. एक तो मैंने अभी ऑफ वाला बताया, ओके, इसको नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज स्लाइड में डाल दूंगी. ये डबल एफ किस लिए यूज होता है, वाई डू बी यूज डबल एफ? डबल एफ इज यूज फॉर सेपरेशन. ये तो लिखना हो, मैं इसको टाइप करवा के स्लाइड में डाल दूंगी, या तो इधर उधर हो गया. डबल एफ का यूज हम कब करते हैं, जब भी सेपरेशन का सेंस आए, जब भी. अभी तो मैंने सिंगल एफ बताया किसके किसके लिए यूज होता है, और डबल एफ जब भी कोई भी चीज किसी से अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो उसके लिए हम डबल एफ का यूज करते हैं. जैसे स्विच ऑफ द फैंस, स्विच ऑफ द फैंस लिखा मैंने. द कार्ट केम ऑफ द कार्ट, नहीं, द व्हील केम ऑफ द कार्ट. तीसरा मैंने लिखा द प्लेन टुक ऑफ. तो यहाँ का ऑफ क्या बता रहा है, सेपरेशन के साइंस जा रहा है ना, सेपरेशन के सेंस में जा रहा है. यस, ऑफ सेपरेशन पढ़ाता है, ऑफ सेपरेशन पढ़ाता है. स्विच ऑफ द फैंस, सेपरेट हो रहा है ना फैन से, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हटाया जा रहा है. द व्हील केम ऑफ द कार्ट, कार्ट मतलब गाड़ी से चक्का अलग हो गया. प्लेन टेक ऑफ किया, सेपरेशन हो रहा है, धरती छोड़ के हवा में जा रहा है, ठीक है. तो एक ऑफ ना दूरी के सेंस में भी होता है. फार ऑफ का मतलब है दूरी. दूरी के सेंस में भी डबल एफ का यूज करते हैं, डबल एफ का यूज करते हैं. यस, अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसको हटा रही हूँ, ठीक है, बस अभी तो बस इतना सीखो. डबल एफ सेपरेशन के लिए, स्विच ऑफ एंड ऑन, ये सब तो सबको पता है. ओके, चलो मैं इसको हटा रही हूँ. अब आपका एरर कहाँ से आएगा, जनरली डबल एफ और सिंगल एफ वाला एरर कहाँ से आता है, एग्जाम में ऐसा लगा के दे देंगे, एक लगा के. जैसे आप फैन को तो स्विच ऑफ करते हो ना, स्विच ऑफ द फैंस, फैन को तो स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है. जनरली हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है, फैन को स्विच ऑफ करते हैं, लेकिन कैंडल को हम स्विच ऑफ नहीं करते. कैंडल को क्या करते, कैंडल को तो स्विच ऑफ नहीं करोगे ना, कैंडल को बुझाते हो. तो क्या ये करेक्ट है, आपके दिमाग में आएगा पुट ऑफ द कैंडल. यहाँ भी तो सेपरेशन हो रहा है, हियर ऑल्सो सेपरेशन टेकिंग प्लेस, बिकॉज कैंडल से फायर हटाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है, तो सेपरेशन हो रहा है, तो डबल एफ होना चाहिए. बट दिस इज रॉन्ग. आपके दिमाग में आएगा, अभी तो मैंने बताया कि सेपरेशन के लिए डबल एफ का यूज होता है, बट यहाँ पे डबल एफ गलत है. क्यों, जब फैन, आप बोलोगे मैम जब फैन को स्विच ऑफ कर सकते हैं, फैन को स्विच ऑफ कर सकते हैं, तो कैंडल को भी पुट ऑफ कर सकते हैं. यहाँ भी बुझा रहे, सेपरेशन हो रहा है, बट आपने ऑफ को गलत इसलिए माना मैंने, क्योंकि पुट ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब. पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब का लिटरल मीनिंग नहीं होता है, फ्रेजल वर्ब का अपना शाब्दिक अर्थ नहीं होता है. एक मिनट,
पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, स्थगित करना. द मीटिंग वॉज पुट ऑफ. ओके, मीटिंग को पोस्टपोन किया गया, मीटिंग को पोस्टपोन किया गया. तो कैंडल को पोस्टपोन नहीं करोगे ना, तो कैंडल इज नेवर पुट ऑफ, कैंडल इज ऑलवेज पुट आउट. तो कभी भी आप कैंडल को पुट ऑफ मत करना, आप कैंडल को पुट आउट करना. ठीक है, क्योंकि पुट आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है. पुट आउट इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है बुझाना, एक्सटिंग्विश. एक्सटिंग्विशर होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए. तो अ कैंडल इज नेवर पुट ऑफ, कैंडल इज ऑलवेज पुट आउट. पुट आउट का मतलब है बुझाना, पुट ऑफ इसलिए नहीं होता है. पुट ऑफ का मतलब तो पोस्टपोन करना होता है, पोस्टपोन. ओके, हाँ, और दूसरा कैंडल को, एक तो कैंडल को, दो कैंडल को बुझाने का दो तरीका है ना. एक तो ऐसे भी बुझा सकते हो, एक फूंक कर भी बुझा सकते हो. तो आप बोलोगे मैम ब्लो ऑफ द कैंडल भी कर सकते हैं, ब्लो ऑफ द कैंडल, क्योंकि यहाँ भी तो सेपरेशन हो रहा है, यहाँ पे फूंक कर बुझा रहा हो. बट दिस इज ऑल्सो ब्लो ऑफ द कैंडल, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. अ कैंडल इज नेवर ब्लोन ऑफ. ब्लो ऑफ का मतलब होता है ना एकदम बॉम्ब एक्सप्लोजन में किसी चीज़ को उड़ा देना. कैंडल को कभी भी ब्लो ऑफ नहीं करोगे, कैंडल को ब्लो आउट करोगे. ब्लो आउट का मतलब भी, जैसे कैंडल को हम पुट आउट भी करते हैं और कैंडल को ब्लो आउट भी करते हैं. ब्लो आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, बुझाना. ठीक है, ब्लो ऑफ नहीं करोगे. ब्लो ऑफ का मतलब होता है ना किसी बॉम्ब एक्सप्लोजन में किसी चीज़ को बुरी तरह से नामो निशान मिटा देना, अबॉलिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना. तो यू नॉट डिस्ट्रॉय अ कैंडल, आप कैंडल को बुझाओगे, बुझाओगे. ओके, हाँ, ये जो है ना, ये मैंने फ्रेजल वर्ब में पढ़ाया. अभी तो मैंने एक वर्ड बताया है. जब मैं आपको फ्रेजल वर्ब का वीडियोस आपके गया हुआ, एक पुट आउट का मतलब तो बुझाना है और एक पुट आउट का मतलब मैंने और बताया, डिसअपॉइंट होना. पुट आउट हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना. जैसे देखो इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, पुट आउट मतलब बुझाना. बोलते हैं ना आज वो बहुत बुझा बुझा दिख रहा है, बहुत पुट आउट दिख रहा है, मतलब पुट आउट दिख रहा है मतलब दुखी दिख रहा है, बुझा बुझा दिख रहा है. एक तो ये एरर एग्जाम का फेवरेट एरर है. ओके, दिस इज अ फेवरेट एरर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. याद रखना है कैंडल को हम पुट आउट करते हैं या कैंडल को और क्या करते हैं, ब्लो आउट कर. दोनों का मतलब होता है बुझाना, पुट ऑफ नहीं करना. पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना, ब्लो ऑफ का मतलब है नामो निशान मिटा देना, किसी चीज का नामो निशान मिटा देना, बुरी तरह से बर्बाद कर देना. टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डियर, टेलीग्राम का. यस पूनम, वेरी गुड. देखो स्टूडेंट्स, अब मैं, हाँ, अब हमारे स्टूडेंट्स नामो निशान मिटाने का फटाफट सिनोनिम्स बताएंगे. किसी चीज़ का नामो निशान मिटा देना, बुरी तरह से उसको बर्बाद कर देना. डिस्ट्रॉय तो सबको पता है, एक्सपंज करना, ओब्लिटरेट करना, रूट आउट कर देना, जड़ से उखाड़ देना, नामो निशान मिटा देना, वाइप आउट कर देना. वाइप अवे नहीं होगा, वाइप अवे का मतलब होता है पोछना, किसी के टीयर्स आंसू को पोछ रहे, रेज कर देना, आर ए जेड डी, नामो निशान मिटा देना, ऑब्लिटरेट कर देना, एक्सपंज कर देना, वेरी गुड. एनिहिलेट कर देना, तबाह कर देना, एनिहिलेट करना, एक्सटर्मिनेट कर देना, नामो निशान मिटा देना, एक्सटर्पीट नहीं, हाँ एक्सट, हाँ ये भी याद रखो, एक्सटर, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है क्लास में, एक्सटर्पेट, उसने अपना एक्स्ट्रा पेट, एक्सटर्पेट, एक्स्ट्रा पेट को, अरे एक्स्ट्रा पेट को का नामो निशान मिटा दिया, हटा दिया, हटा दिया. और दूसरा चीज़ याद रखना है, देखो एक ऑफ, ये फेवरेट है एग्जाम का, ठीक है, ये NDA CDA सब एग्जाम में आता है. ऑफ का यूज़ कैसे लगाते हैं, एक होता है डिस्पोज. डिस्पोज करना मतलब हटा देना, अलग कर देना, फेंक देना. जैसे आप कूड़े को, गार्बेज को डिस्पोज कर रहे हो, गार्बेज को डिस्पोज करना मतलब क्या होता है, हटा देना, फेंक देना. अपने घर को डिस्पोज करना, आप अपने घर को डिस्पोज कर रहे हो, फेंक तो नहीं रहे, बेच रहे हो, ठीक है. तो अलग अलग मीनिंग में जा रहा है, बट जहाँ भी डिस्पोज का मतलब जा रहा है ना, तो फेंकने, अलग करने के सेंस में. अब मुझे बताओगे डिस्पोज के साथ सिंगल या डबल, आपको लगेगा डिस्पोज का मतलब ही होता है ना फेंक देना, बेच देना, तो डबल एफ होना चाहिए, अलगाव हो रहा है. बट डिस्पोज इटसेल्फ मींस समथिंग बीइंग सेपरेटेड, समथिंग बीइंग डिटैच्ड. तो इसके साथ डबल एफ यू विल पुट ना, तो डैट विल गो सुपरफ्लुअस. इसके साथ सिंगल लगाना, तो डिस्पोज में से एक ऑफ को फेंक दो, एक ऑफ को धरती में गाड़ दो, जला दो, एक ऑफ बचेगा, एक ऑफ, एक ऑफ. डिस्पोज का मतलब है फेंक देना, हटा देना. दूसरा, दूसरा याद, रेड के साथ क्या आता है, कौन वाला ऑफ, रेड के साथ सिंगल या डबल, हाँ लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट्स डबल डबल लगाएंगे. सिंगल आता है डिस्पोज के साथ. रेड ऑफ का मतलब ही होता है किसी से छुटकारा पाना, अलग होना.
इसमें भी डबल मत लगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। और एक होता है डिस्पेंस, डिस्पेंस का मतलब भी होता है किसी से मुक्त होना, ओके, किसी चीज से, तो ही डिस्पेंस्ड। बताना आंसर इसका। डिस्पेंस वर्ड फिक्स प्रेपोजिशन में मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो अपनी सेवाओं से मुक्त हो गया, अलग हो गया, सेपरेट हो गया। क्या होगा डिस्पेंस के साथ? सिंगल एफ होगा, डबल एफ होगा, क्या होगा? विथ होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। विथ, विथ, विथ। तो याद रखना डिस्पेंस के साथ विथ, ओके, डिस्पेंस के साथ विथ, रिड के साथ सिंगल, और डिस्पोज के साथ भी सिंगल। और एक होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, डू अवे विथ, डू अवे विथ, डू अवे विथ योर वर्क। डू अवे विथ का मतलब भी है ना, जैसे तैसे काम को करके उसे छुटकारा पाना। डू अवे विथ इज इक्वल टू रिड ऑफ, बट रिड के साथ सिंगल वाला ऑफ लगता है, बट डू अवे विथ, डू अवे के साथ विथ लगता है, विथ। अब चलो ये, अब और भी, रॉब, रॉब का मतलब है लूटना, बताओ क्या होगा? ही वॉज रॉब, ही वॉज रॉब्ड ऑफ, उसका सारा सामान लूट लिया गया, हिज बिलोंगिंग्स, क्या होगा? रॉब्ड ऑफ। आंसर बताना, आंसर यहाँ भी वही वाला लगेगा जो मैंने अभी आपको तुरंत समझाया। रॉब्ड का मतलब ही होता है ना, रॉब्ड का मतलब ही होता है चुरा लेना, जैसे डिस्पोज का मतलब है फेंक देना, चुरा लेना, उसी सेंस में है। तो उसके साथ भी सिंगल वाला ऑफ ही आएगा, डबल नहीं आएगा, सिंगल, सिंगल, सिंगल लगाओगे, सिंगल ही हो रहा, रॉब्ड ऑफ। ही वॉज रॉब्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग, किसी के द्वारा चोरी की जा रही है तब तो बाय लगाओ, पर यहाँ तो किसी चीज से उसको अलग किया जा रहा है। चलो अब मुझे बताओ कि डिप्राइव्ड के साथ क्या लगेगा? डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित होना, डबल एफ या सिंगल एफ। और डिवॉइड के साथ, डिवॉइड के साथ सिंगल या अलग, मतलब डबल। लैक के साथ ऑफ या डबल, सिंगल या डबल। चलिए आंसर बता दीजिए, ये सब आपके एग्जाम्स में आता है। एक और है ना, हाँ एक और है, यहाँ ये भी आता है एग्जाम्स में, पॉइंट टू बी नोटेड। ऐसे तो इतने सारे हैं, बट मेन मेन याद रखो कि सीधा एग्जाम में क्लिक करो और दो। रिड के साथ तो ऑफ आता है, एक होता है वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ का मतलब भी होता है छुटकारा पाना, बट याद रखना वार्ड ऑफ के साथ डबल वाला लगेगा, बट रिड के साथ सिंगल वाला। बट अदरवाइज बोथ ऑफ देम दे कन्वे द सेम मीनिंग, मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम। हाँ, डिप्राइव का मतलब भी होता है वंचित, अलग, सिंगल। डिवॉइड का मतलब भी है किसी चीज से वंचित है, सेपरेटेड है, सिंगल। लैक के साथ भी हो, बट ये याद रखना वार्ड के साथ डबल। जैसे द हिंदूज, हिंदूज बहुत सारे रीति रिवाज करते हैं, द हिंदूज परफॉर्म रिचुअल्स, बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं अपने पापों से छुटकारा पाने के। द हिंदूज परफॉर्म रिचुअल्स टू वार्ड डैश ईवल्स, अपने ईवल्स टू गेट रिड ऑफ। रिड के साथ तो डबल, बट वार्ड के साथ, रिड के साथ सिंगल, बट वार्ड के साथ डबल। वेक्स के साथ ललित दोनों आता है, अगर आप किसी व्यक्ति से गुस्सा हो तो यू आर वेक्स्ड विद अ पर्सन, अगर किसी बात पे गुस्सा हो तो एट लगाओगे। वेक्स, वेक्स का मतलब है इरिटेट होना, वेक्स्ड विद अ पर्सन, और वेक्स एट अ थिंग, किसी चीज पे, किसी के बुरे वर्ताव पे गुस्सा हो ना तो एट, और किसी व्यक्ति से गुस्सा हो विद, जैसे एंग्री होता है, एंग्री, एंग्री। तो ये सब चीजों को याद रखना है, रॉब्ड, वेक्स्ड, और जैसे सी ऑफ कर रहे हो किसी को, स्टेशन सी ऑफ करने गए हो, बाय करने गए हो, तो सी ऑफ के साथ कौन सा ऑफ? डबल वाला। टेक ऑफ के साथ डबल वाला। ये सब के साथ डबल लगाना।